तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये जो चौराहा है इसको बोलते हैं रोंडो दाशिन्स्कीएगो। इंग्लिश में बोला जाए तो दाशिन्स्की राउंड अबाउट। और जैसा कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ बीच में से ट्राम जा रही है दोनों साइड के लिए। ये जो सीधी स्ट्रीट गई है इसको प्रोस्ता स्ट्रीट बोलते हैं। और जैसे कि आपने देखा, ये ऑफिस की छुट्टी हुई भीड़ है। जो उस तरफ जा रहे हैं वो मेट्रो स्टेशन के लिए जा रहे हैं और वहीं पे बस स्टॉप भी है। जो इस तरफ आ रहे हैं वो पता नहीं वहाँ वाले ऑफिस से इस तरफ आ रहे होंगे, क्योंकि उस तरफ ओरेकल का ऑफिस भी है। ये जो स्ट्रीट है, ये आप वही स्ट्रीट कंटिन्यू कर रहे हैं पीछे साइड। ये प्रोस्ता स्ट्रीट सीधी जा रही है, पीछे तरफ रोंडो दाशिन्स्किएगो राउंड अबाउट है, और जो सीधे जा रहे हैं वहाँ पे रोंडो ONZ है राउंड अबाउट। वो जो सामने बड़ी बिल्डिंग दिख रही है वो EY की बिल्डिंग है, और वो जो एक क्लॉक टावर टाइप दिख रहा है वो जो निकल गया वो यहाँ का पैलेस ऑफ कल्चर एंड साइंस है। वो दैट प्लेस इज़ एक्चुअली द सेंट्रल ऑफ वॉर्सॉ। एंड जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये ट्रैफिक आ जा रहा है काफ़ी लोगों ने। मैंने पहले फ़ोटो डाली थी तो कहा था कि बड़ी खाली रोड रहती है, गाड़ी वाड़ी नहीं निकलती। ये वहाँ से लेफ्ट साइड की रोड है, ये इसके बाजू में सैमसंग का ऑफिस है, ये सामने इंटर ड्रग करके कंपनी है। राइट साइड में जो आप देख रहे हैं वो लिखा है जेश पोस्पोलिता। ये एक न्यूज़पेपर है यहाँ का। जेश पोस्पोलिता का मतलब होता है रिपब्लिक। और जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये बसेस आ रही हैं जा रही हैं। वो जो दूर में जो बिल्डिंग दिख रही है वो है डेल की बिल्डिंग, और उस जगह को बोलते हैं प्लाक जाविश्य। मतलब प्लाक मतलब ऑल्सो इज़ अ राउंड अबाउट काइंड ऑफ। और वहाँ पे कलरफुल वो भी जो दिख रहा है वो रेडिसन ब्लू है, जो कलरफुल चौराहे पे दिख रहा है जहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं। और यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, काफ़ी कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। तो और अगर मेरे राइट में देखें तो ये सैमसंग प्रीमियम सर्विस प्लाजा है। काफ़ी ऊंची बिल्डिंग है, 40 फ्लोर की लगभग। और इसके यहाँ नीचे भी काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये भी जनरेशन पार्क में ही आता है। तो ये रहा हमारा रोंडो दाशिन्स्किएगो एंड प्रोस्ता स्ट्रीट। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी बढ़िया नज़ारे देखने को मिलें, जैसे कि ये। और ये मैंने थोड़ा सा कलर एनहेंस किया है। एंजॉय विद द म्यूजिक। बढ़िया लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।